हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति मुटकुरे। वेलकम टू माय चैनल आई लव कुकिंग। आज की हमारी रेसिपी है ढाबा स्टाइल जीरा राइस दाल तड़का। ये बहुत स्वादिष्ट होता है, तो इसे बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके मेरी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले अपने मोबाइल पे देखिए। सो फ्रेंड, मेरी इजी टू मेक एंड टेस्टी टू इट रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं आपको इसके इंग्रीडियंट बता देती हूँ। ढाबा स्टाइल दाल तड़का बनाने के लिए हमने लिया है ये तुअर दाल। तुअर दाल मीन्स ये अरहर की दाल कहा जाता है, ये इसे पिजन पी के नाम से भी जाना जाता है। तो मैंने ये 2 कप मीन्स 2 कप पिजन पी लिया है और इसको धो लिया है, धो के थोड़ा सा पानी में रख दिया था। उसके बाद में हमें लगेगा ग्रीन ग्राम स्किन मीन्स मूंग की दाल, जो हमारे छिलके वाली जो यानी छिलका उतरी, हमारे यहाँ पे नागपुर में इसे मूंग मोगर कहा जाता है, तो छिलके उतरी हुई मूंग की दाल आती है तो वो है। और ये है हमारी मसूर की दाल मीन्स पिंक लेंटन के नाम से जाना जाता है इसे, तो ये भी हमने लिया है और इसे भी हमने धो लिया। तो दाल मैंने 2 कप लिया है, उसमें मैंने 2 टेबल स्पून मूंग की दाल, 2 टेबल स्पून हमारी मसूर की दाल ऐसे लेके हमने इसे धो के तैयार कर लिया है, क्योंकि हम 6-7 लोगों के हिसाब से ये दाल तैयार कर रहे हैं। उसके बाद में हमें लगेगा गार्लिक मीन्स लहसुन फाइन चॉप किया हुआ है ये, कोरिएंडर मीन्स हरा धनिया, टमाटो मीन्स टमाटर लगने वाला है, 1 प्याज, 2 टमाटर लिया है, 1 प्याज लिया है हमने, 1 अनियन उसको फाइन चॉप करके रखा बड़े साइज का, ये है हमारा करी लीव्स मीन्स करी पत्ता, बेलीफ मीन्स तेज पत्ता लगने वाला है, ग्रीन चिलीज मीन्स हरी मिर्च लगेंगी, हमने थोड़ी सी बड़ी साइज की कटी वाली भी ली है, और ये है ड्राई चिली मीन्स सूखी हुई लाल मिर्च, मस्टर्ड सीड एंड क्यूमिन सीड मीन्स राई जीरा लगेगा, और ये है जिंजर गार्लिक एंड कोरिएंडर पेस्ट, अदरक लहसुन और हरा धनिया का पेस्ट मेरे पास तैयार था तो मैंने वो ही ले लिया है, नहीं तो जिंजर गार्लिक पेस्ट में भी काम चल जाता है। उसके बाद में हमें लगेगा हींग मीन्स असाफटेटा, ये है क्लेरिफाइड बटर मीन्स घी, ऑयल लगने वाला है, कुछ पाउडर मसाले मीन्स इसमें टर्मरिक मीन्स हल्दी, रेड चिली पाउडर मीन्स लाल मिर्च पाउडर, तो ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है। उसके बाद में हमें लिया है धनिया पाउडर मीन्स कोरिएंडर पाउडर, ये है तीखी वाली लाल मिर्च रेड चिली पाउडर, कसूरी मेथी, ड्राई फेनिग्री लीव्स, और ये है सॉल्ट यानी कि नमक, और ये है हमारा गरम मसाला। तो चलिए अब हमारा सीक्रेट हमारे ढाबा स्टाइल दाल तड़के का शुरू करते हैं। कुकर में हमने तुअर की दाल डाल दिया है, अब इसमें चले जाएंगे हमारी मसूर की दाल। तो हमने ये 2-2 टेबलस्पून सभी लिए हैं, तो ये भी चलेगी इसमें, और इसमें चले जाएंगे 2 टेबलस्पून हमारी मूंग की दाल। इसे हमें मिक्स कर देना है। अब इसमें चले जाएंगे हमारी टर्मरिक मीन्स हल्दी, तो ये 1/2 टीस्पून हमारी टर्मरिक चलेगी। अब इसमें डाल देंगे हम हरी मिर्च, हमने 2 हरी मिर्च इसमें डाल दिए हैं, और थोड़े से टमाटर, हमने 2 टमाटर लिए था तो हम इसमें से थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा सा तड़के के लिए रखेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे पानी, हमारे दाल को पकने के हिसाब से हम इसमें दाल पानी रखेंगे, तो हमने 1 गिलास डाल दिया, अभी थोड़ा सा और डालते हैं, 1.5 गिलास के करीब हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब इसमें चले जाएगा थोड़ा सा ऑयल, इससे दाल बाहर नहीं निकलती। अब कुकर का ढक्कन लगा के हमें इसे 3 विसल होने देना है। जब तक हमारा दाल कुकर में बॉईल हो रहा है, हम हमारे जीरा राइस की तैयारी करेंगे। तो हमने ये बासमती लॉन्ग ग्रेन राइस लिया है, ये बासमती चावल है जिसको हमने लिया है, तो ये मैंने 2 गिलास मीन्स 2 गिलास भर के ये चावल लिया है, और उसमें लगेगा हमें 4 इलायची, ग्रीन कार्डिमन, ब्लैक कार्डिमन, सिनेमन स्टिक, और ये है स्टार एनिस और बेलीफ, तेज पत्ता लगेगा, बड़ी इलायची लगेंगी, कलमी लगेंगी, हरी इलायची, और ये स्टार लगने वाला है। साथ में हमें लगेगा 1 नींबू, और हमें लगेगा नमक मीन्स सॉल्ट। तो चलिए हमने पानी को बॉईल करने को रख दिया है और हम हमारे चावल को बनाना शुरू करते हैं। देखिए हमने एक बड़ी गंजी में पानी गर्म करने को रख दिया था, तो अब इसमें हम डाल देंगे हमारा तेज पत्ता मीन्स बेलीफ, हमारी जगह कुकर की सीटियां भी होना शुरू हो चुकी है, हमें 3 सीटी करना है, हमारी 2 सीटी हो चुकी है। अब इसमें चले जाएगा
हमने लिया है ये कलमी मीन सिनेमन स्टिक, एक हमने मसाला इलायची बड़ी इलायची मीन ब्लैक कार्डिमन, और ये है स्टार एनिस चक्री फूल, और ये हरी इलायची ये ले लिया है। साथ में चले जाएगा इसमें सॉल्ट, तो हमने इसमें 5 चम्मच नमक डाला है क्योंकि हमें इसका पानी भी निकाल के फेंक देना है, हमारे चावल पकने में आएंगे तो उसी पीरियड में हमें निकाल के इसका पानी फेंक देना है। अब इसमें चले जाएगा हमारा एक नींबू, तो इसका हम नींबू का इसमें जूस डाल देंगे रस, और इसे हमें 10 मिनट, ये सब मसाले डालने के बाद 10 मिनट इसे हमें अच्छे से बॉईल होने देना है ताकि ये मसालों का भी फ्लेवर इसके अंदर में उतर जाए। हमने पूरा एक नींबू लिया था उसे डाल देंगे, इसमें चले जाएगा अभी फिलहाल में हम इसे अच्छी तरह से बॉईल होने देते हैं, और इसमें डाल देते हैं हम थोड़ा सा ऑयल। हम इसमें 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल देते हैं, इसे ढक के हमें अच्छी तरह से बॉईल होने देना है। तो हमारी कुकर की सीटियां हो चुकी है, अब गैस का फॉर हम बंद कर देंगे, हमारी दाल पक चुकी है, अब इसे हमें अच्छी तरह से बॉईल होने देना है। अब हमारे पानी में भी काफी अच्छे से बॉईल आना शुरू हो चुका है, और ये 5 मिनट से इसी तरह से बॉईल हो रहा है, तो इसमें जैसा हमारे जो मसाले डाले हैं इसका फ्लेवर उतर चुका है। तो अब इसमें हम डाल देंगे हमारे ये भिगोए हुए बासमती राइस, ढाबे में पहले से ही ये राइस तैयार रहता है, तो जब कोई ऑर्डर आता है झट से उसे बना के वो देते हैं। अब इसे हमें अच्छे से बॉईल होने देना है। हमारे चावलों को हम एक बार ऊपर नीचे कर लेते हैं अच्छे से, और इसे हमें 90% ही कुक करना है, ज्यादा कुक नहीं करेंगे, 90% कुक करके हमें इसे स्ट्रेन कर लेना है। देखिए अब हमारे चावलों में बॉईल आना शुरू हो गया, तो हम ये जो हमारे होल स्पाइसेस है खड़े मसाले इन्हें हमें निकाल लेना है, इसे हम निकाल लेते हैं। और एक बार हल्के हाथों से इसे हमें फिर से मिक्सअप कर लेना है, हल्के हल्के हाथों से करना है। अभी हमारा चावल होने का है, हमें इसे 90% कुक करना है, ये 2 से 3 मिनट में हमारे चावल पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे, फिर हमें इसके पूरा पानी को फेंक कर इसे हमें एक स्ट्रेनर में रखना है। इसे हम अच्छे से होने देते हैं। अब ये हमारे चावल काफी अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, यानी ये कुक हो चुके हैं, तो अब गैस का पावर बंद करके हमें इसे एक स्ट्रेनर में पूरा पानी निकाल लेना है। चलिए इसका पानी निकाल लेते हैं। देखिए चावलों को हमने स्ट्रेनर में निकाल चुके हैं, अब इसे हम पूरी तरह ठंडा होने देते हैं। अब हम हमारे दाल तड़का की तैयारी करते हैं। चलिए अब हम हमारी दाल को भी चेक कर लेते हैं। देखिए हमारी दाल काफी अच्छे से पक चुकी है, अब इसे हमें तड़का की तैयारी करना है। देखिए हमने इसमें 1 चम्मच ऑयल डाला है, अब इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून भर के घी, क्लैरिफाइड बटर, हमारा छोटा सा चम्मच था इसलिए हमने 3 छोटे चम्मच डाल दिए हैं। अब इसे हमें अच्छे से गर्म होने देना है। देखिए अब ये हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, तो अब इसमें डाल देंगे हम 1 टीस्पून भर के जीरा है, और 1 टीस्पून भर के मस्टर्ड सीड मींस राई है, तो ये दोनों को हमें थोड़ा थोड़ा ज्यादा लिया है, 1 टीस्पून से थोड़ा थोड़ा ज्यादा लिया है। उसके बाद में इसमें चले जाएगा तेज पत्ता, हमारी कुछ सूखी हुई लाल मिर्ची डाल देंगे, इससे इसका फ्लेवर में बहुत जबरदस्त टेस्ट आता है। अब इसमें चले जाएगा हमारा गार्लिक, तो हमने 10 से 12 काली ली थी, तो हाफ अभी डालेंगे हम, हाफ बाद में हमारे तड़के के लिए भी बचा के रखेंगे। अब इसमें चले जाएगा कड़ी पत्ता मिस करी लीव्स, हमारी लहसुन को हमें अच्छी तरह से सॉफ्ट होने देना है, मीन्स सॉफ्ट मीन्स गोल्डन कलर होने देना है,
देखिए फ्रेंड, वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। और मेरी एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स की वीडियोस में आप लास्ट तक बने रहें, इससे आपको बनाने में काफ़ी यानी आसानी हो जाती है और आपको कैसा होता है कोई भी चीज़ आपसे मिस नहीं होंगी तो आप आसानी से बना लोगे। ये देखिए अब ये हल्का हल्का गोल्डन शुरू हो चुका है, तो अब इस पीरियड में हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया का तड़का। अब इसमें डालेंगे हमारी प्याज और हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हो। अब इसे हमें सॉफ्ट होने देना है। देखिए हमारी प्याज हल्की हल्की होने लग गई है, तो एक टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डाल के पीस लिया था मैंने पहले, तो वही मेरे पास था तो मैंने वही डाल दिया। आप चाहे तो सिर्फ जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल के मैंने पीसा था। अब इसे हमें सॉफ्ट होने देना है। इसमें डाल देंगे हींग, तो एक पिंच हमने हींग ली है, मीन्स असाफोटिडा। प्याज को हमें हल्की सी पिंकिश कलर आते तक फ्राई करना है। बहुत ज्यादा टेस्टी होती है ये दाल तड़का, आप मेरे कहने पे एक बार इसे जरूर ट्राई करना। और मैं जो स्टाइल बता रही हूँ ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल बता रही हूँ, आपको ये बेहद पसंद आने वाली है और आप इसे एक बार जरूर ट्राई करना। आप लोगों को मैं पूरा उसका सीक्रेट बता रही हूँ कि कैसे कैसे वो आपको यानी बना के देते हैं। हमारी उनकी दाल हमेशा तैयार होती है, बस उनको तड़का लगाना होता है, तो वो प्याज वगैरह का ये हल्का सा तड़का मारते हैं और हमें सर्व करते हैं। देखिए हमारी प्याज हल्की सॉफ्ट हो चुकी है, तो अब इसमें डाल देंगे हम 1.5 टेबल स्पून के करीब तीखी वाली लाल मिर्च। देखिए मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग डालना, हमको थोड़ा स्पाइसी ही पसंद आता है। 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर मींस कोरिएंडर पाउडर। इसमें से हमने 1 टीस्पून भर के ये रेड कश्मीरी लाल मिर्च लिए, तो हाफ अभी डालेंगे, हाफ तड़का के लिए बचा के रखेंगे। और इसमें चले जाएंगी हमारी ये कसूरी मेथी और थोड़ी सी बाद में डालेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसी में चल जाएंगे हमारे कटे हुए टमाटर, जो जब ही हमने 2 टमाटर लिए था, थोड़ा सा हमने दाल जब पकाने को रखा था कुकर में उस टाइम डाल दिए थे और अभी थोड़ा सा डाल रहे हैं। और अभी इसी पीरियड में हम इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, जो हमारे दाल तड़का को जितना नमक लगेगा उतना हम इसमें ऐड कर देते हैं। और इसे हमें अच्छे से होने देना है। देखिए अब हमारा ये मसाला भी काफी अच्छे से भुन चुका है, टमाटर भी हमारे इसमें गल चुके हैं, तो अब इसमें हमारी ऐड करना है दाल। तो दाल को हमने सिर्फ ऐसा चम्मच घुमाया है, बस हमें इसे फेंटना नहीं है, दाल को हमें ऐसा ही रखना है। पहले इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि हमारे मसाले जो नीचे में है वो जले ना। और अब पूरी दाल हम पलटा लेंगे। अब हमारे जो कुकर में हमें थोड़ा सा पानी ऐड करके बची हुई दाल को भी हमें इसमें मिक्स करना है। देखिए दाल आपको कैसी रखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, गाढ़ी रखना है पतली रखना है ये आपके ऊपर है, लेकिन दाल तड़का हमेशा थोड़ी सी गाढ़ी सी ही रहती है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। देखिए अब हमारे दाल में बॉयल आना शुरू हो गया, तो इसमें हमारी बची हुई कसूरी मेथी वो ऐड कर देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया। हम 1 से 2 मिनट और बॉयल होने देते हैं और फिर उसके बाद में हमें इसे साइड में करके इसका तड़का तैयार करना है। इसमें 2 तड़के लगते हैं, एक सर्विंग के टाइम में हमने जैसे ये तड़का अभी तैयार कर रखा है, हमारा दाल तड़का तैयार हो चुका है, लेकिन जब हम सर्व करते हैं उस टाइम में इसमें हल्का सा तड़का मार के फिर उसे सर्व किया जाता है। इसे हम बॉईल होने देते हैं। बहुत ही गजब की स्मेल आ रही है हमारी दाल तड़के की, और देखिए सेम हमारा ढाबा स्टाइल ही दाल तड़का ये तैयार है। अब इसे हम साइड में करते हैं और इसका तड़का तैयार करेंगे। देखिए हमारे तड़का पैन में हमने घी डालना है, और इसे अच्छे से गर्म होने देते हैं।
ये देखिए अब ये घी गर्म हो चुका है, अब इसमें डाल देंगे हमारा ये जीरा। तो हमने 1/2 टीस्पून जीरा लिया है। इसमें चले जाएंगे हमारी ये लहसुन और कड़ी पत्ता और ये सूखी हुई लाल मिर्च और जरा सी एकदम चुटकी भर हींग मीन्स असाफटेटा। गैस का पावर अब हम बंद कर देंगे क्योंकि हमारा ये घी काफी अच्छे से गर्म था। अब हमें इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालना है, तो उसके लिए हमें इसे थोड़ा ठंडा होने देना है। अब हम हमारे तड़के में ये रेड कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालते हैं और इसे हम अच्छे से मिक्स करके इसे इस पर पलटा देंगे, थोड़ा सा बचा देंगे सर्विंग के लिए। हमारा दाल तड़का तैयार हो गया है। अब हम हमारा जीरा राइस बनाएंगे। चलिए जीरा राइस बनाने के लिए हम लेंगे इसमें ऑयल, हमने एक बड़ी सी कढ़ाई ली है, मेरे पास लोहे की बड़ी थी तो मैंने वही लिया है। और इसमें चले जाएगा थोड़ा सा ऑयल लिया है हमने। अब उसमें डाल देंगे हम घी, अब इसमें चले जाएगा जीरा। तो 1 टेबलस्पून भर के हमें इसमें जीरा लेना है क्योंकि जीरा राइस है तो इसमें जीरे की सख्त जरूरत होती है। गैस का पावर अब हम कर देंगे स्लो। अब इसमें चले जाएगा हमारा ये बॉईल किया हुआ राइस। पहले थोड़ा थोड़ा करके हम इसे मिक्स कर लेते हैं, हल्के हाथों से मिक्स करना है। बचे हुए राइस भी डाल देंगे। देखिए जब ये बॉईल करते समय हमने इसमें नमक ऐड किया था तो हमें इसमें नमक डालने की जरूरत नहीं है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए हमारा जीरा राइस तैयार हो गया है। अब इस पे चले जाएगा हरा धनिया। आप ज्यादा चाहे तो इसे ज्यादा भी हरा धनिया ऐड कर सकते हैं। बस इसे हल्का सा मिक्स करेंगे और सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। देखिए कितना जबरदस्त हमारा ये जीरा राइस और दाल तड़का तैयार हुआ है। मैंने आपको पूरा सीक्रेट जो होता है सेम वह आपको बताया है, कैसे बनाते हैं, क्या डालते हैं। आपको ये बेहद पसंद आने वाला है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बेहद पसंद आएगा। आप इसे जरूर ट्राई करना। हमारा ढाबा स्टाइल दाल तड़का जीरा राइस आप एक बार जरूर ट्राई करके देखना, आपको ये बेहद पसंद आने वाला है। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो के नीचे की लाइक की बटन को क्लिक कीजिए, मेरी इस वीडियो रेसिपी को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फ्रेंड्स आपको मेरी पिछली वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे सजेस्ट कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। एंड वंस अगेन प्लीज गिव लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच।